अच्छा एक और बात कहूं, बुरा नहीं मानना, कई लोग भोग के रूप में ऐसी ऐसी वस्तु भी ठाकुर जी को पधरा देते हैं जो नहीं पधरानी चाहिए। अब इसमें क्या है, ठाकुर जी को नहीं चाहिए वो वस्तु, तुम्हारी जीव चट्टारे मार रही है, या लिए तुमने पिज्जा बना दियो ठाकुर जी को भोग लगा दियो। अरे ठाकुर जी भैया 5000 साल पुराने लाला हैं हमारे वृंदावन के, उनको रोटी भी मैया तोड़ तोड़ के खवावे, पिज्जा देख के ठाकुर जी भी यूं सोचते कहा बलाया कैसे खाऊं यार मैं, कैसे खानो है, यानी अपनी जीव के काजे अपने पेट के काजे मेरे भोग लगा दियो या को। ऐसा मत करो भैया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा आधुनिक में मत जाओ, पर इतने भी आधुनिक मत हो जाओ कि ठाकुर जी को ये सब का भी भोग लगे। ठीक है आपका मन है घर में बना के पालो बिना प्याज लहसुन का, पर ठाकुर जी को भोग तो वही लगाओ जो लग सकता है। ठाकुर जी को भोग लगावे को एक 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 सुंदर उपाय बताऊं, बड़ी बढ़िया बड़ी कढ़ाई लेओ, वह कढ़ाई में नेक्सो घी लगा के पूरी कढ़ाई पे घुमाए दो, अच्छो चीकनी है जाए, फिर वहां में डालो 5 किलो दूध, और 5 किलो दूध डाल के तब तक ओटियो जब तक 2 किलो नहीं रह जाए, लगनो नहीं चाहिए वहां में बढ़िया। फिर जो है का है थोड़ा गुड़ डाल दियो और गुड़ को मिलाए दियो, वहां के बाद में फिर अनुपात के अनुसार चावल डाल दियो, फिर केसर पधरा दियो, सुंदर इलायची कूट करके वहां के दाने डाल दियो, सुंदर सुगंधित है जाए, थोड़ी अधोटो सो दूध है जाए, वाकी खीर बनाए के फिर वाकू सुंदर सो सजा के केसर आदि से ऐसी सुंदर खीर बनाए के, और वाकू एक सुंदर पात्र में पधरा दियो, थोड़ा बड़ो सो पात्र हो वही में ठंडी है जाए। ठाकुर जी की सामग्री फ्रिज में भी ठंडी मत करो, अनायासी करो, मिट्टी के बर्तन में करो। हमारे तटीय स्थान जाके देखो कैसे प्रसादी सिद्ध होती है महाराज, ऐसी प्रसादी सिद्ध करोगे तो ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप डोड़े आमेंगे खावे के काजे। अरे कोई ब्रजवासी कोई ब्रज की गोपी ने कभी ठाकुर जी को निमंत्रण नहीं दियो कि लाला हमारे घर आ जाइयो, बिन बुलाए ठाकुर जी जामे, ये भी भक्ति की स्थिति है कि आपको आमंत्रण नहीं देना पड़ता है। और सदैव एक बात रखो, महीना में एक बार इतनी प्रसादी बनाओ कि वो वैष्णव भक्त और संत वृंदन को भी पधराई जा सके, केवल ठाकुर जी पालें और हम पालें यही में संतुष्टि चल रही है नहीं। अभी आगे सुनियो ब्रज लीला में आवेगो ठाकुर जी कैसे कैसे पूरे दिनानंद भवन पे भीड़ ही लगी रहे पावे बारे इनकी, ठाकुर जी को सुख लगे जब बहुत सारे लोग पावे। आप कहें व्यवस्था इतनी नहीं है तो कोई एक कोई पवाओ, लेकिन पवाओ कोई बाहर से वैष्णव आमे संत आमे, कोई भजनानंदी हो कोई ब्रजवासी हो उनको पवाओ, ठाकुर जी के सामने बैठा के पवाओ। और केवल पवावे मात्र तो काम नहीं चलेगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, ये तो ठाकुर जी भी ले लें। किशोरी जी नृत्य सीख में आई लाला के पास, ठाकुर जी ने बढ़िया नृत्य सिखा दियो, और नृत्य सीख करके जैसे ही श्यामा जी जान लगी, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे फ्री फोकट में सीख के जा रही है कुछ दियो तो है ना है, लेकिन हम नंद के लाला हैं, यदि दक्षिणा ना ले ली तो हमारो नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। सोई किशोरी जी के पास गए और जा करके बोले हे लाडली जू तुमने वो तोता देखो, किशोरी जी बोली कहाँ है, अरे वो बैठो ऊपर, अरे मुंह को तो दिखना रहो, देखो मैं दिखाऊं कहां तुम्हारी, हाथ दिखाओ, हाथ पकड़ करके और उंगली करें देखो बोरो बोरो बोरो, और उंगली में पहरी भाई मुंदरी ठाकुर जी ने यूं करके निकार के और अपनी फेंट में डाल ली। किशोरी जी कहां दिखते रहना है, अरे अब तो उड़ गो श्री जी अब जाओ कल यो है, ठाकुर जी कह रहे हैं दक्षिणा लइए भैया ऐसे थोड़े, तो दांत घिसाई तो देनी पड़ेगी, वो तो देनी है। कहवे को अभिप्राय है भैया, प्रेम प्रधान जिस दिन आपका हृदय हो गया ना, ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप सीख जाओगे, अपने आप आ जाएंगी। और कभी भी ठाकुर जी का भोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं बनाइए कि हमारा ये खाने का मन कर रहा है तो ठाकुर जी को लगाए दो भोग पालेंगे, नहीं।